दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाय नाउ पे लेटर सर्विस के बारे में। फिलहाल अभी जो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये है बेटर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। हालांकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि भाई ये किस तरह के कार्ड है और किस तरह से आपको कार्ड दिए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूवल मिलती है। इस ऐप की फीचर की अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूवल देखने को मिलता है। किसी तरह कोई ज्वाइनिंग फी नहीं, ना कोई एनुअल फी देने की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर के सर्विस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ SBI बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कार्ड का सैंपल आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेजी पे की तरह कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वन कार्ड जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो लेजी पे और वन कार्ड जो कि SBI बैंक की तरफ से कार्ड आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो बेटर क्रेडिट की तरफ से भी आपको यहाँ पर SBI बैंक की तरफ से ही कार्ड आपको देखने को मिलेगा। जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड कराई जाती है। खास बात ये भी है कि हर एक खर्चों पे आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पर किसी तरह कोई क्रेडिट वॉलेट की जरूरत नहीं है, सीधा आपको कार्ड दी जाती है और कार्ड के अंदर आपको लिमिट्स प्रोवाइड कराई जाती है जिसका आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह कोई हिडन चार्जेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पावर ऑफ वीजा प्लेटिनियम यानी कि वीजा फॉर्मेट में आपको यहाँ पर कार्ड मिलने वाले हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सिविल स्कोर को बिल्ड कर सकते हैं। कई तरह का फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं कि भाई कैसे कैसे ये काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है बेटर क्रेडिट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इशू बाय SBI बैंक, लाइसेंस बाय द वीजा एंड मास्टर इंटरनेशनल कार्ड। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं SBI बैंक की तरफ से ये कार्ड इशू करवाई जाती है और आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के यहाँ पर दोस्तों बात करें तो जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही काम करने वाली है। किसी तरह कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट चार्ज आपसे ली जाती है, ना कोई एनुअल फी। तो लेजी पे कार्ड की तरह इस कार्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करते हैं ऐप को तो आप बेटर एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। ये है बेटर और इस तरह से आप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटर क्रेडिट कार्ड इज इशू बाय द SBI बैंक, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूवल दी जाती है, किसी तरह कोई ज्वाइनिंग फी नहीं और ना ही कोई एनुअल फी लेती है। आप हर एक ट्रांजेक्शन पे 1% कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। ऑन टाइम पेमेंट करते हो तो आपकी लिमिट भी इम्प्रूवमेंट होते चली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप वन टाइम में अगर आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड से सीधा बिल पेमेंट तो हो जाती है, उसे आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़े आसानी से आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे समय पर आप भुगतान कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लेती है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए यानी इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके बारे में पहले फटाफट समझ लेते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, इनकम का सोर्स रेगुलर होनी चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए, ठीक है, क्रेडिट स्कोर लगभग ठीक ठाक होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के यहाँ पर दोस्तों बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जाती है, जैसे में इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप या फिर बैंक का स्टेटमेंट नहीं मांगती है। तो बड़े आसानी से आप इस एप्लीकेशन द्वारा क्रेडिट कार्ड आप पा सकते हैं। दी ए क्रेडिट लिमिट का आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से कहीं भी बिल भुगतान वगैरह आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है, पूछताछ करना चाहते हैं तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं, दिए गए नंबर से बातचीत वगैरह करके संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर अप्लाई करना क्रेडिट कार्ड के लिए काफ़ी आसान है। 5 मिनट के अंदर में ही आप ऐप के जरिए से इंस्टेंट अप्रूवल पा सकते हैं, बिना किसी ज्वाइनिंग फी के, बिना किसी एनुअल फी के। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा था बेटर कार्ड, जो कि क्रेडिट कार्ड लिमिट्स आपको प्रोवाइड कराती है।
बेटर कार्ड के जरिए आपको एक कोई लिमिट्स मिलती है जिसका आप क्रेडिट कार्ड की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल भुगतान कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन का रिव्यू और काफ़ी लोगों ने सवाल भी किया था इस एप्लीकेशन को लेकर, क्या एक्चुअल में एप्लीकेशन ये क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड कराती है, क्या कार्ड मिलता भी है या फिर नहीं। तो चीज़ें मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये एप्लीकेशन वाकई में जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है। SBI बैंक की तरफ से ये कार्ड आपको इशू करवाई जाती है जिसका आप क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बता रखा है, लेजी पे या फिर वन कार्ड का जैसे इस्तेमाल करते हैं, SBI बैंक से ही टाइप होते हैं उनके, उन्हीं के द्वारा इशू करवाई जाती है कार्ड और जिसका आप इस्तेमाल कहीं भी बिल भुगतान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके दिखाएं तो अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा कि भाई इस एप्लीकेशन का कंप्लीट लोन अप्लाई करके दिखाओ या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके दिखाओ कि आखिर किस तरह से हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे भाई किस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने हैं बेटर ऐप के जरिए से। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।